सच की लड़ाई। हमारे चैनल LF News 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अमृतसर में दो नौजवानों की मोटरसाइकिल और इनोवा गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर होने से मौत। परिवार वालों ने इंसाफ के लिए दिल्ली लाहौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया धरना। उस समय स्थिति गंभीर हो गई जब दो नौजवान जसबीर सिंह और बलजीत सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर रास्ते से जा रहे थे कि पीछे से अचानक तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ने दो नौजवानों को बुरी तरह से कुचल दिया। मेरा नाम मनजीत सिंह है जी। अपना भरा ही जस्सी डॉक्टर संधु हॉस्पिटल दे विच काम करता है, जॉब करता है संधु हॉस्पिटल दे विच। ते रात तो अपनी ड्यूटी ते जा रहा है, पिछों नोवा गड्डी आई जिहदे विच तीन जने सवार ही ते इक उहनां दे नाल कुड़ी ही। इन्होंने दारू पीती हुई ही ते गड्डी दे विच मतलब दारू दीआं बोतलां विच होर काफ़ी जिहड़ा समान गलत मलत गड्डी दे विच पिआ होइआ ही। तो गड्डी गलत हरकतें जी कुड़ी के नाले करते आ रहे हैं। इन्होंने पिछों गड्डी तेज़ होने करके जस्सी के मोटरसाइकिल में मार दी गड्डी पिछों। जस्सी होनी दो जने ही, जस्सी की मौके पर डैथ हो गई है रात, तो एक वीर की सवेरे डैथ हो गई है। तो जो अं रात इतने आए चौंकी, तो चौंकी वाले ने दरवाज़ा नहीं खोलिया, कोई साड़ी सुनवाई नहीं की इतने, इन्होंने कोई सुनया नहीं, ना उन्होंने फड़िया गड्डी वाले ने। इन्होंने कहा भी सवेरे आयो, सवेरे जो अं 8 बजे फिर चौंकी में आए हैं। तो उस तो बाद इन्होंने कहा भी सरपंच गए ही उत्थे वे पिंड गड्डी वाले फड़न वास्ते, तो इन्होंने कहा भी सरपंच उन्होंने लैके आऊगा। जब सरपंच उन्होंने नाल लै गया तो अं इतने 1.5-2 घंटे डीकते रहे। उस तो बाद फिर जरा जस्सी के परिवार वाले ने इकट्ठे हो गए इतने रोड के उत्ते धरना लाया कार्रवाई करवाने वास्ते। अं यो प्रशासन तो मांग करते हैं कि दोवें जोड़े वीर जिन्हों की डैथ हुई उन्होंने छोटे छोटे बच्चे आ, तो उन्होंने इंसाफ दिता जाए, जी बनती कानूनी कार्रवाई इन्होंने की जाए दोषियों से। हादसे के बाद दोनों नौजवानों को अमृतसर के निजी हस्पताल में ले जाया गया, लेकिन दोनों नौजवान रास्ते में ही जिंदगी की जंग हार गए। जो कि दोनों नौजवानों की दर्दनाक हादसे से मौत हो गई। इस मौके पर परिवार वालों ने पुलिस से इंसाफ की मांग की, लेकिन पुलिस ने कल रात कोई भी कार्रवाई नहीं की और पूरे गांव के सरपंच के कहने पर इनोवा कार में सवार दोषियों को बचाने में लगी रही, जिसको लेकर परिवार वालों ने आक्रोश आने पर वाघा सरहद को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस के खिलाफ धरना लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धरना लगाने की वजह थी ਭਾਅ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਿਗੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਧਰਨਾ। ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ, ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 8:30-9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ESI ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬਸ ਗੋਂਗਲਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏ। वहीं दूसरी तरफ जब इस मामले की पुलिस अधिकारी से जानकारी लेनी चाही, तो पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन पर मामला दर्ज किया जा रहा है। अपने एक्सीडेंट रात को 10:30 बजे एक्सीडेंट होया, 5 नंबर गेट आदमी लगे जेडे मरण वाले जसबीर सिंह ते अपना दूसरा मलजीत सिंह, ये दोवें अपने मोटरसाइकिल जा रहे शहर नूं, ते जिहड़ी इनोवा गड्डी आ जिहनूं मलकीत सिंह चला रहा सी, उपरा खुरदा सी, उह भी उहने
बड़ी बेतहाशा गड्डी चलाए गए तो जो उन्होंने गड्डी मारती तो जोड़े मौके पर दोवें जने जख्मी होकर डिग पे जिन्होंने हस्पताल संधु हस्पताल दाखिल कराया जो जिन्हों की संधु हस्पताल जल सुखबीर सिंह की जने की मौत हो गई उसे तो दूजे उन्होंने रैफर करता गुरजीत सिंह दूजे हस्पताल रैफर करता तो जी नहीं अजे तक उन्हें छापेमारी की गई आ जेडे हूँ अजे तक घरों पकौड़े आ गड्डी में कुछ नहीं बरामद होया जी गड्डी जो बंदा जो मौके पर भज गया है तो गड्डी ही जी रिकवर करके अपने हैंडल कर ली बिल्कुल यह गल सामने नहीं आई बस उन्होंने मुकदमा दर्ज करके उन्होंने जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाऊगा। रिपोर्टर अंग्रेज सिंह के साथ धन्यवाद। हमारे चैनल LF न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।